चलिए देखने की कोशिश करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बुक्स टू क्लियर द ICMR JRF examinations. What should be the your important topics और वो important topics क्या हैं ICMR JRF point of view से और कैसे उसको हम deal करेंगे. तो first of all, like important point for the section A, like genetic disorders. जेनेटिक डिसऑर्डर टॉपिक इज लाइक इम्पॉर्टेंट. मूल कॉन्सेप्ट मस्ट बी देयर. म्यूटाजन्स, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीजेस, वाइटमिन डिफिशियंसी डिजीजेस, इंटरनेशनल डेज इन द मेडिकल फील्ड, WHO क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर वाटर एंड एयर, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड डिजीजेस, ब्लड ग्रुप्स दैट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इन्वायरमेंटल फिनोमिनाज, सेफ एंड हार्मफुल गैसेज, types of infections, shape of the bacteria and the examples, metal and its types. And apart from that, statistics is one of important. T-test, Z-test, p-values, ANOVA, measure of dispersion, mean, median, mode, arithmetic and geometric mean, skewness, these are the statistics part. Probability and distributions is also there. तो सेक्शन ए में अगर आप इतना चीज़ें करते हैं, इतने कुछ चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, सो यू विल गेट ऑलमोस्ट लाइक 15-20 क्वेश्चंस मिनिमम आप हैंडल कर पाएंगे आराम से. और इसके अलावा जो है, अगर हम बाकी सेक्शन बी के ऊपर बात करें, तो इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दैट इज़ लाइक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन डिग्रेडेशंस, एंजाइम्स, कोफैक्टर इन एंजाइम्स विल बी देयर. अपार्ट फ्रॉम लाइक व्हेन यू सी फॉर द RDT और जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज, क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर डिफरेंसेस, दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड एग्जांपल्स, एग्रो बैक्टीरियम, DNA ट्रांसफर टेक्निक्स, DNA सिक्वेंसिंग, बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, एंड आफ्टर दैट PCR एंड इट्स मॉडिफिकेशंस. दीज आर द मेजर पॉइंट्स वेयर लाइक क्वेश्चंस केम इन द ICMR JRF examinations. इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इन द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, DNA एंड RNA स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ DNA, रिप्लिकेशन एंजाइम्स एंड फंक्शंस, ट्रांसक्रिप्शंस, बेसिक एंजाइम एंड फंक्शंस, बेसिक ट्रांसलेशन मशीनरी, एंटीबायोटिक्स एंड सम जीन रेगुलेशंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. दिस इज द मॉलिकुलर बायोलॉजी सिलेबस. सो दीज आर द सम सिलेबस जो कि आपके यहाँ पे पाए जा रहे हैं. आफ्टर दैट these are the topics for pathogenic bacteria, for microbiology, sterilization and growth, bacterial toxins, functions, microbiology history, bacterial infections, bacterial diseases. These are the some microbiology point of topics जो microbiology से related चीज़ें आ जाती हैं. इसके अलावा हम बात करें तो antibiotics class, antibodies classifications, antigenicity, immunogenicity, cytokines, CD markers, receptor, autoimmune and hypersensitive disease list. किसमें क्या होता है, ये आपके immunology से related questions आ जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स एंड फंक्शंस, सेल ऑर्गेनल्स मार्कर्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जांपल्स, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज, सिंड्रोम्स, सेल साइकिल, साइटोकाइनेसिस, सेल सिग्नलिंग बेसिक्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेल बायोलॉजी में इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लाइक इवोल्यूशनरी थिंग्स, इवोल्यूशनरी एजेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, वैलेंसी ऑफ द एटम्स, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ, दीज आर द थिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट LD50, ED50 फॉर द ड्रग एंड लाइक ये जो होते हैं डिजीजेज एंड ड्रग, ड्रग इफेक्टिवनेस एंड फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू ह्यूमंस, बायोलॉजिकल databases, डेटाबेस एंड सबमिशन टूल्स, फाइलोजेनी अलाइनमेंट टूल्स, दीज आर द सम बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर pharmacology and bioinformatics. And apart from that, animal physiology is there, jahan pe brain and glands, its functions, renin angiotensin systems, movement of the body, hormones and its functions, reproductive cycles, reabsorptions in the kidney, digestive enzymes and functions, ECG waves and disease like diabetes and all. Ye jo hain aapke kahan pe hain, important points hai jo related hai kisse, ye related hai aapke एनिमल फिजियोलॉजी से. तो दीज आर द केसेज जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. अपार्ट फ्रॉम दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स, ये जो हैं आपके इंपॉर्टेंट बुक्स आ जाते हैं. वेन यू सी इंपॉर्टेंट बुक्स, दिस आर लाइक लेनिंजर फॉर द बायोकेमिस्ट्री, वोइट एंड वोइट, लोडिस, कार्प, वॉटसन, प्रेस्कॉट, हार्ले, क्यूबे, तेजन जिगर, टोर्टोरा, एंड आफ्टर दैट लाइक गार्डनर फॉर जेनेटिक्स, या यू कैन से बेंजामिन पियर्स, रसल, T.A. ब्राउन, विल्सन एंड वॉकर,
एंड दीज आर द थिंग्स जो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो ये तो रहे स्टैंडर्ड बुक्स. अपार्ट फ्रॉम मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर बुक इज टेस्ट बैंक ऑफ बायोलॉजी. इस बुक के जो हैं क्वेश्चन जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू विल गेट लॉट्स ऑफ आइडिया. टेस्ट बैंक बुक ऑफ बायोलॉजी पे जा सकते हैं, या नॉर्मली अगर हम बात करें टेस्ट बैंक बुक ऑफ बायोलॉजी पे चले गए, या लाइक आप जा सकते हैं कहाँ पे, आप जा सकते हैं कुछ पी वाई क्यूज ऑफ व्हाट, गेट के पी वाई क्यूज पे चले जाइए कुछ कुछ, और उसके अलावा आईसीएमआर के पी वाई क्यूज पे चले जाइए. ठीक है, ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन सब बुक्स के अलावा. रैदर देन स्टैंडर्ड बुक्स नाउ एज ऑफ नाउ क्रैश कोर्स तो आ ही रहा है, रैदर देन इन सब बुक्स के मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप पाथ फाइंडर को भी रिफ़र कर सकते हैं. यू कैन रिफ़र द पाथ फाइंडर, आप पाथ फाइंडर भी रिफ़र कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा थोड़े दिनों में तैयार करने के लिए, क्योंकि ये बुक्स वास्ट बुक्स होती हैं. बट इन बुक्स का फ़ायदा एक होता है कि बुक्स में आपके टेबल्स दिए रहते हैं, एंड दिस टेबल्स आर कंपाइल्ड फॉर्म. ये टेबल्स जो होते हैं वो कंपाइल्ड होते हैं, और बुक्स में अगर आप डिटेल पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप टेबल से इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करो, जो जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है उनको लो और इनसे इंफॉर्मेशन को लर्न कर लो. दैट शुड बी वेरी बेटर, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स गाइज, अगर आप अनअकेडमिक दीज आर द थिंग्स जो आप देख सकते हैं, एंड अगर आप क्रैश कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं ई लर्नम पे, या फॉर्मरली नोन एज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी, तो आप ई लर्नम या स्मार्ट लर्निंग एकेडमी पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हैं. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. इफ योर ड्रीम इज टू क्लियर द CSIR नेट लाइफ साइंस, आई विल ब्रिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद माय 4 ईयर एक्सपीरियंस, स्मार्ट हैक्स, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड स्मार्ट अप्रोच. आई विल मेक यू फॉल इन लव with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Live to get the 10% discount. Let's crack it.